सारे शहर में छा गया है जनता ऑटोमोबाइल। जनता ऑटोमोबाइल की सुपर हिट धमाकेदार पेशकश। कोई भी बाइक खरीदिए और 3 गिफ्ट, फ्री हेलमेट, फ्री बाइक कवर, फ्री टिफिन बॉक्स तोहफे में ले जाइए। सुजुकी, यमहा, हीरो, टीवीएस, बजाज, होंडा और वेस्पा जैसे ब्रांडेड गाड़ियों के अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी ऑफर मौजूद है। तो देरी किस बात की, आज ही तशरीफ लाइए और बुक करवाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आज़म, RH9 न्यूज़ में आपका खैर। शहर हैदराबाद में पिछले दिनों में लगातार पेश आने वाले कत्ल और खातिलाना हमलों के पेश नज़र पुलिस ने अपनी चौकसी में सख्त इजाफा कर दिया है। कत्लों और बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के मकसद से पुलिस ने पेट्रोलिंग में मज़ीद इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ मुकामात पर खसूसी तलाशी मुहिम जारी है। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता रात देर गए हैदराबाद कमिश्नरेट के साउथ जोन में पुलिस और टास्क फोर्स टीम ने बड़े पैमाने पर पेट्रोलिंग की। मीडिया नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए एडिशनल DCP श्रीनिवास ने बताया कि सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस कोठा श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर पेट्रोलिंग की जा रही है, जिसमें कब्रस्तानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और डार्क एरियाज पर सख्ती के साथ तलाशी ली गई। हर आए दिन गांजा नोशी, शराब नोशी का नशा करने वाले नौजवानों पर सख्त एक्शन लिया गया। इस पेट्रोलिंग के दौरान देर रात घूमने वाले कई सारे नौजवानों की भी काउंसलिंग की गई और साथ ही साथ तमाम नौजवानों के सरपरस्तों को बुलाकर इनकी भी काउंसलिंग की गई और तमाम सरपरस्तों को हिदायत दी गई कि वो अपने बच्चों पर सख्ती से नज़र रखे, वरना इनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसील। बगर लाइसेंस का आप कहाँ रहते? किधर घूम रहे आप? मैं काम पे जा रहा था। वॉकिंग करने का टाइम है तो ये टाइम है वॉकिंग कर रहे हैं? सोने का टाइम कब है तुम्हारा? सोने का टाइम क्या है? क्या काम करता है? स्टूडेंट है। रात के 2 बजे वॉकिंग कर रहे हैं? आप पढ़ेगा कहीं? आप पढ़ेगा कहीं? क्या पढ़ रहे हैं? इंजीनियरिंग पढ़ने वाला रात को 2 बजे घूमते रहो। तुम आटो काम क्या है? मोहम्मद आजम आ रहे थे आगे। क्या कर रहे हैं? एक टाइम में सवारी छोड़ने आया था। गाड़ी का हाँ, रात को 2 बजे सोते नहीं? सोते क्यों? कारोबार करना है ना। तुम तुम्हारा नाम क्या है? रात के 12 बजे 2 बजे 12 बजे नहीं घूम सकता ना? सुनो, ये आप लोगों को मैं वार्निंग दे रहा हूँ, रात के 12 बजे के बाद ऐसे रोडों पे नहीं घूमना, ठीक है? घरों में रहना, अपना काम कर लेना, अपना घर को सीधा चले जाना, ठीक है? आप लोग देख रहे हैं माहौल कैसा है, माहौल ठीक होना बोले तो सब जगह घरों में रहना, समझ गया? नेक्स्ट टाइम मिले तो आप लोगों को सब लोग ठीक है? उठा भाई, हम लोग ये एंटी सोशल एलिमेंट्स, कुछ सेलफोन स्नैचर्स, जो गांजा उठी करके ऐसे घूमने वालों के वास्ते हम लोग पूरे एरिया पूरा गश्ती फिर के सर्चिंग करे। इसमें रेलवे स्टेशन, कब्रस्तान, जो आइसोलेटेड एरियाज है वो पूरे हर जगह हम लोग चेकिंग करें। अब जो आदमी मिले वो लोगों को हम, अब हमारे कस्टडी मिली है, वो लोगों को वेरीफाई करके अगर उसमें कोई गलत रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे।
अच्छे लोगों को काउंसलिंग करके ये ऑड आवर्स में वो लोग बाहर घूमने का ये आदत जो है ये बुरी आदत है, ऐसा बाहर नहीं घूमना बोल के वो लोगों को काउंसलिंग करें, उनका पेरेंट्स को भी बुला के वो लोगों को भी ऐसा ये ऑड आवर्स में 12 बजे के रात को रात के बाद वो लोग ऐसा घूमना अच्छा नहीं है बोल के वो लोगों को समझा के काउंसलिंग करके भी जाए। सर कितने लोगों को काउंसलिंग किया गया? तो अभी तो हम लोग गाड़ियों में है, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं कितने लोग हैं, वेरीफाई करने के बाद आपको फिगर दे सकते हैं। सर इसमें कार की जो चेकिंग हुई दरमियान एक राइफल भी निकला, वो एयर राइफल एक मिला है, वो भी वेरीफाई करेंगे। एयर राइफल को जरूरत नहीं है, लाइसेंस का जरूरत नहीं है, मगर ये टाइम में उन्होंने वो लगा के कहीं को फिर रहे वो वेरीफाई करेंगे, अगर जेन्युइन रीजन रहा तो उसको हम वार्निंग देके भी जाएंगे। नाज़रीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।